हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल टेक्नोलॉजिस्ट में। तो आज हम करेंगे CTPA। तो हम बताएंगे उसके लिए क्या क्या क्रिएटिनाइन मस्ट है। यूरिया क्रिएटिनाइन नॉर्मल होना चाहिए, 18 का कैनला होना चाहिए, 4 घंटे की फास्टिंग होना चाहिए, उसके बाद करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे पास, हमने एंट्री कर लिया है। उसके बाद हमने यहाँ पर आप मैनुअल एंट्री करना है। उसके बाद हमने डायरेक्ट स्मार्ट प्रेपैक से कराए, जो ऑटोमेटिक अचीव करने के बाद मशीन आपका टेबल मूवमेंट करना शुरू हो जाता है। तो आप इस तरीके से यहाँ पे हमने प्रोटोकॉल उठा लिए है पल्मोनरी का, और यहाँ पे कंफर्म करना है। तो आज हमने डबल टोपो लिया है, तो एक हमने लेटर लिया, एक AP लिया है। आप AP भी लेकर कर सकते हैं। आपको मैं ये भी दिखाऊंगा कि अगर आप मिस्टेक से मैंने तो ROI SVC पे लगाया, सुपीरियर वीना कावा पे। अदरवाइज आपको पल्म ब्रेंड नेक NGO करना है तो aortic arch पे लगाना है। तो वो आप स्मार्ट प्रेपैक्स कहाँ लगाएंगे, तो आपको aortic arch दिखेगा। अगर आप स्मार्ट प्रेपैक्स कहाँ रखेंगे तो SVC यानी सुपीरियर वीना कावा कैसे दिखेगा, वो आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लेके चलते हैं आपको। तो हमने लेटरल स्काउट ले लिया है, अब AP भी स्काउट ले लेंगे। AP स्काउट लेने के बाद आपको कंफर्म, आपको प्रॉपर तरीके से सेलेक्ट कर लेना है कितना आपको एरिया कवर करना है, FOB कितना चाहिए, यहाँ सुपीरियर टू इन्फीरियर चाहिए, इन्फीरियर टू सुपीरियर चाहिए कट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन हमने यहाँ पे इन्फीरियर टू सुपीरियर काटा है, कट किया है, तो अभी हम आपको दिखाएंगे। तो इस तरीके से आप इतना एरिया सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद आप प्लेन आपका आ जाएगा, आप देख सकते हैं। इसमें कॉन्ट्रास्ट रखना है, मैस्ट है अकॉर्डिंग टू, वैसे तो हम 1.2 ml या फिर 1.5 ml पर kg देते हैं, बट हमने इसमें 60 ml रखा है कॉन्ट्रास्ट, और NH35 रखा है हमने, क्योंकि नॉर्मल पेशेंट था, ठीक ठाक था, ज़्यादा हैवी पेशेंट नहीं था, तो इसलिए हमने इतना ही कॉन्ट्रास्ट दिया है। और फ्लोर रेट हमने 4 का रखा है, और PSI 300 रखा है। तो अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि जो फर्स्ट है, यानी फर्स्ट जो हम मतलब आर्टेरियल फर्स्ट एंजियोग्राफी में से दो सेक्शन लेते हैं, एक फर्स्ट एक सेकंड। तो फर्स्ट फेस हमने जो सिर्फ पल्मोनरी कवर की है, और जो सेकंड फेस हमने दिया है वो पूरा चेस्ट कवर करा है इसमें हमने। और स्मार्ट प्रेपैक्स में आपको दिखाऊंगा कैसे रखते हैं, कहाँ पे रखते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपको aortic arch पे अगर रखना हो, जैसे ब्रेन नेक NGO करते हैं तो aortic arch पे रखना है, तो आप स्मार्ट प्रेपैक्स कहाँ रखेंगे कि आपका aortic arch दिखेगा, वो भी मैं फर्स्ट टाइम मूव करके दिखाऊंगा। उसके बाद आपको अगर पल्मोनरी NGO करना है तो आप कैसे रखेंगे, उसको बैक कैसे करेंगे, वो भी हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो को देखते रहें लास्ट तक, और लाइक सब्सक्राइब फॉलो जरूर करें ताकि हर आने वाला वीडियो आपके पास मिले। तो आपको यहाँ पे स्मार्ट प्रेपैक्स ऑन करना है, उसके बाद आपको सुपीरियर ट्रकिया हमारा जहाँ से दोनों अलग होते हैं, ट्रकिया पर बाइफरकेशन जिसको बोलते हैं, वहाँ पे रखना है आपको। इस देख सकते हैं, आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, दिखाने की प्रयास कर रहा हूँ आपको। हर्ड साइड जहाँ से शुरू होता है वहाँ पे ही रखना है ताकि आपको aortic arch अच्छे से दिख सके। तो इस तरीके से उसको बाद रखने के बाद कंफर्म करना होता है। कंफर्म करने के बाद आपको मूव स्कैन करना है, अगर आप 32 स्लाइसेस पे कम कर रहे हैं तो। उसके बाद स्टार्ट स्कैन करना है, तो अभी आपको aortic arch दिखा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से aortic arch यहाँ पे आप लगा सकते हैं। अगर ये आपको नहीं आया तो यहाँ पे बैक करना है, अगर पल्मोनरी करना है तो यहाँ पे बैक का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर बैक करना है आपको। मैं बैक कर लिया है, और बैक करने के बाद स्मार्ट प्रेपैक्स ऑन करना है दोबारा से, और स्मार्ट प्रेपैक्स ऑन करने के बाद उसको थोड़ी सी नीचे करना है जहाँ पर ट्रेकिया बाइफरकेशन दोनों अलग होता है वहाँ पे, और उसके बाद कन्फर्म करना है। कन्फर्म करने के बाद कंटिन्यू का ऑप्शन आना है, तो कंटिन्यू करना है। उसके बाद मूव स्कैन करना है, टेबल का जो मूव स्कैन आता है वो करना है। उसके बाद स्टार्ट स्कैन का ऑप्शन आता है, वहाँ पे आप देख सकते हैं SVC आ गया हमारा। यहाँ से ROI के लिए हम उठा लेते हैं, और वहाँ पे ROI छोटी सी लगा लेते हैं। ROI लगाने के बाद आपको मोनिटर फेस करना है, और पेशेंट को सांस रुकवाना है। एक लंबी सांस लीजिए, सांस को रोक के रखिए ताकि आपका स्कैन अच्छे से आए, ब्लर ना आए, ताकि डॉक्टर जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उनको रिपोर्ट करने में कोई परेशानी ना हो, जो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, रिपोर्ट में ऐसा कुछ ना लिखे कि जो पेशेंट को आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट कर सके। एक्चुअली में करते क्यों, थ्रोम्बोसिस वगैरह देखते हैं, एम्बुलिज्म वगैरह देखते हैं,
तो अभी आपने, मैं दिखाता हूँ, ROI हमने लगा लिया है और एक साथ दोनों प्रेस करने हैं, जो कंट्रास्ट इंजेक्टर का है देखो हमने एक साथ प्रेस कर लिया है, हमने प्रेस कर दिया और इस टाइम बोलना है लंबी सांस लीजिए, सांस को रोक के रखिए। तो आप देख सकते हैं हमारा जो टेबल है अचीव कर लिया है कॉन्ट्रास्ट हमारा मशीन, और इस टाइम बोलना है सांस रोक के रखिए। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट फेस हमारा चलेगा, पहले देखिए पल्मोनरी में कॉन्ट्रास्ट आ गया है हमारा, जो एम्बुलेजन और थ्रोम्बोसिस के लिए PA CT PA करते हैं। उसके बाद सांस छोड़वाना है, उसके बाद सेकंड फेस में हमारा आप रुकवा सकते हैं, मैनुअल भी रुकवा सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली आपका मशीन में सेट है तो आप ऑटोमेटिकली भी वो बोल सकता है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, नेक्स्ट रीच करना है या फिर एंड एग्जाम करना है। उसके बाद आपका दोनों फेस में आपको इसमें ये भी दिखाऊंगा कि आप फिल्मिंग कैसे करते हैं। तो फिल्मिंग आप नॉर्मली वैसे जैसे कि आप दे सकते हैं, जैसे कि आप चेस्ट का देते हैं या फिर आप F1 जो अगर जी पे काम कर रहे हो तो F1 करके भी आप 20 स्लाइस 30 इमेजेस दे सकते हैं आप, ताकि पल्मोनरी अच्छे से दिख सके। अगर फाइंडिंग आपको दिख रहा है तो आप फाइंडिंग अच्छे से दिखा सकते हो आप। ये हमारा 5 mm का है जो फर्स्ट फेस का है, आप अच्छे से देख सकते हैं। मैं आपको चाहूँगा कि एंजियोग्राफी दिखे आपको, जो फर्स्ट फेस हमने लिया है वो अभी हम आपको दिखाएंगे। ये दिख रहा है आपको छोटा सा, ये इस तरीके से पल्मोनरी आर्टरी SBC, थोड़ा सा SBC पे जहाँ पे हमने ROI लगाया वो भी आपको दिख रहा है। इसमें उतना अच्छे से आपको नहीं दिखेगा, लेकिन आगे जहाँ पे हम फिल्मिंग कर रहे हैं वो आपको अच्छे से दिखेगा। तो यहाँ से हम एग्जिट चलते हैं अभी। इस तरीके से 3D भी आप बना सकते हैं, लेकिन 3D के साथ साथ आपको थिन विंडो भी देना जरूरी है। तो अभी हम आ गए हैं वर्क स्टेशन पे, वर्क स्टेशन पे हमने थिन जो फर्स्ट फेस था वो हमने ओपन करा है। इसमें रीफॉर्मेट का ऑप्शन आ रहा है, रीफॉर्मेट हमने करा है। तो रीफॉर्मेट आते के साथ आपको इस तरीके से खुल जाएगा, और हमने यहाँ पे एक्जियल को ऑब्लिक में कर दिया, ऑब्लिक सेलेक्ट कर लिया है, और इसको हम डबल क्लिक करने के बाद यह क्या वो मतलब बड़ा साइज हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बगल में यहाँ पे मिप का ऑप्शन आता है, एवरेज का ऑप्शन आता है, थिकनेस बढ़ा सकते हो आप। तो हमने मिप कर लिया है और थिकनेस इसका 10 रख रखा है हमने, ताकि जो पल्मोनरी आर्च हो वो अच्छे से दिख सके। वो मैं बड़ा करके जूम करके आपको दिखाऊंगा। ये फर्स्ट फेस है हमारा, इसमें आप कोर सैच एक्जियल तीनों विंडो दीजिए और अच्छे से पल्मोनरी आर्टरी दिखाइए, क्योंकि जो पेशेंट जो डॉक्टर को चाहिए, जिस तरीके से डायग्नोस उन्हें करवाना चाहे उस तरीके से अच्छे से उसको दिखे। इसमें दो ऑप्शन आता है, एक फिल्मर सेव, एक सेव का ऑप्शन आता है और एक फिल्मर इमेज का आता है। हमने डायरेक्ट फिल्मर इमेज पे मतलब भेजा है, सेव नहीं करा है। तो यहाँ पे प्रीव्यू और ओके का ऑप्शन आता है। जैसे आप सेट एंड सेट स्टार्ट करके जो बैच करके जो फिल्मिंग बनाते हैं सेम उस तरीके से हमने बनाया है। अदरवाइज आप चाहते हैं एक एक इमेज ले सकते हैं, तो एक एक इमेज करके भी F1 करके आप वहाँ पे ये जैसे देख सकते हैं आप पल्मोनरी आर्टरी। अगर यहाँ पे आप एक इमेज लेना चाह रहे हैं तो F1 करके प्रेस कर सकते हैं। F1 करने के बाद होता क्या कि आपका डायरेक्ट मैनुअल फिल्म जो या फिर फिल्म में वो चल रहा है। इस तरीके से कॉर्नल का भी थोड़ा सा ऑब्लिक वगैरह करके दे सकते हैं, एक्जियल वगैरह करके दे सकते हैं। इस तरीके से फिल्मिंग आप कर सकते हो। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, क्योंकि हर आने वाला वीडियो आपके पास हम पहुंचा सके। इस तरीके से आप पल्मोनरी एनजीओ कर सकते हैं। और मस्ट है, हमारा पेशेंट का जो क्रिएटिनिन था 0.68 था और यूरिया जो था वो 22.6 था। तो इस तरीके से नॉर्मल है यूरिया क्रिएटिनिन बस इस, और 18 का कैनला रखना है, फ्लोरेट 4 का रखना है, 3.5 का भी रख सकते हैं, 4 का रख सकते हैं। और कॉन्ट्रास्ट अकॉर्डिंग टू पेशेंट 60 ml तो मैनुअल है। इस तरीके से आप पल्मोनरी एनजीओ कर सकते हैं।